अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज एक बार फिर हम खड़े इस समय एसटी बस डिपो के यहाँ। आपको खबर होगा कि दो दिन पहले मैंने खबर लगाई थी इसमें एसटी बस डिपो की और महानगर पालिका का जो तनातनी चल रही है और लाइट का जो प्रॉब्लम था उसको लेकर मैंने खबर लगाई थी। तो आप इस समय देख सकते हैं कि एसटी महामंडल ने यहाँ लाइट्स जो है वो फिर से शुरू कर दी है। इसके लिए सबसे पहले एसटी महामंडल धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने पब्लिक जनता को हो रही परेशानी के बारे में सोचा। मैंने खबर लगाई थी, मैंने आपको बताया था किस तरह से जब महानगर पालिका की गाड़ियों को रोका गया है तो महानगर पालिका ने यहाँ की लाइट निकाल दी। हालांकि महानगर पालिका का ऐसा कहना था कि ये लाइट हमारी नहीं है, एसटी महामंडल की ही है और हमने वैकल्पिक तौर पर उनको लगा कर दी थी। तो ये उनका अपना कहना था, लेकिन बहरहाल आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि एसटी महामंडल ने अपने खर्चे से अपने क्षेत्र में ये लाइट लगाई। आप ऊपर देख सकते हैं लाइट रिस्टोर हो गई है। कहीं ना कहीं जो लोगों को बड़ी परेशानी, आने जाने वालों राहगीरों को यहाँ जो परेशानी होती थी उसे निजात मिली है। तो एसटी महामंडल को एक बार मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी खबर का संज्ञान लिया और जनता के भले के लिए ऐसा कदम उठाया। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी विषय हो, दो विभागों के आपस में जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमेशा विभागों को, सरकारी जो कार्यालय हैं उनको आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी फिलहाल एसटी महामंडल ने आम जनता के लिए सोचा है, उसके लिए एसटी महामंडल धन्यवाद का पात्र है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।